Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video we are going to hit a very important topic, that is situation vacant. And this topic is for 11th and 12th class student and it is a part of advanced writing skills जिसके 5 marks होते हैं और ये 5 marks 4 तरीके से आपको दिए जाते हैं. पहला format का, इसमें आपको 1 marks दिया जाता है. दूसरा होता है organization of ideas जिसका आपको 1 मार्क मिलता है. तीसरा होता है कंटेंट, जो कुछ भी आप अपने सिचुएशन वैकेंट के पार्ट में लिखते हैं उसके आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं. और फोर्थ होता है एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपकी ग्रामर कितनी सही है, स्पेलिंग्स कितने ठीक हैं, उसका आपको 1 मार्क दिया जाता है. तो इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का ये पार्ट होता है. अब देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं और सिचुएशन वैकेंट एग्जैक्टली होता क्या है. किसी कंपनी में कोई जगह खाली है, कोई पोस्ट खाली है, उसके लिए जो कंपनी ओनर्स होते हैं या फिर एचआर टीम होती है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हमारी कंपनी में इस पोस्ट के लिए जगह खाली है और आप आकर इसे के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं. सॉरी, ये आपको देखो यहाँ पर कटिंग दिखाई दे रही होंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये न्यूज़पेपर में इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. और 11th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं पेपर के अंदर. बहुत सारी वैरायटीज में इसको लिखा जाता है. ओके, तो देखते हैं एक बार ये होता क्या है. डेफिनेशन देखते हैं इसकी. डेफिनेशन में देखते हैं, सिचुएशन वैकेंट इज अ टाइटल ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम का या फिर एक पेज का टाइटल होता है सिचुएशन वैकेंट किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में. Where jobs are advertised, जहाँ पर jobs के लिए advertisement दिया जाता है. अब situation vacant का जो format होता है, जब आप situation vacant बनाएंगे as a student, जब आप situation vacant बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है. Basically there are 7 points, आमतौर पर 7 points होते हैं जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है post to which a candidate is required or wanted, या तो required लिख सकते हैं या फिर wanted लिख सकते हैं. दूसरे नंबर पे आपको लिखना होता है qualifications, experience, age limit and gender, means male के लिए चाहिए या फिर female के लिए चाहिए. थर्ड स्टेप होता है सैलरी ऑफर्ड, कितनी सैलरी दी जाएगी और उसके साथ कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा दी जाएंगी सैलरी के साथ. फोर्थ पार्ट होता है मेलिंग एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर. पांचवा जो पार्ट होता है उसमें आप लिखते हैं इंटरव्यू स्केड्यूल, किस डेट को या डे को आप इंटरव्यू कर सकते हैं. और सिक्स पार्ट होता है मोड ऑफ अप्लाई, किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए. और सातवां पार्ट होता है एनी अदर रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है वो आप सेवन्थ पार्ट के अंदर लिखेंगे. तो ये 7 पार्ट्स होते हैं सिचुएशन वैकेंट के. सिचुएशन वैकेंट को लिखते समय आप इनको फॉलो करेंगे. अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मेट और दिखा देता हूं आपको. हेडिंग इन कैपिटल लेटर, सिचुएशन वैकेंट को आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और ये जो है बॉडी ऑफ सिचुएशन वैकेंट है, कंटेंट है ये आपका, इसके 2 मार्क्स मिलते हैं आपको. तो देखो सबसे पहले रिक्वायर्ड या फिर वांटेड आप लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी आप लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी में या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब है वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एज लिमिट क्या है, फिर एजुकेशन लिखेंगे और उसके बाद एक्सपीरियंस लिखेंगे. इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है जरूरी है या नहीं है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एटसेट्रा, ये आपकी कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं. उसके बाद पर्सनैलिटी रिक्विजिट्स, अट्रैक्टिव सैलरी या फिर सैलरी एग्जैक्ट आप लिख सकते हैं कितनी सैलरी देंगे आप, एंड अदर बेनिफिट्स नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं. नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करके आप एक सैलरी डिसाइड करेंगे. उसके बाद मोड ऑफ अप्लाइंग, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एंड टाइम ऑफ सबमिशन और किस समय से पहले आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट फोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिखेंगे. ये सारी चीज़ें सिचुएशन वैकेंट के अंदर होती हैं. एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे. इसके आंसर को मैं 2 तरीके से लिख के दिखाऊंगा आपको. ओके, यस, 3 तरीके से मैं आपको इस एग्जांपल को लिख के दिखाऊंगा. अब तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. यू आर रोहित रीता, जनरल मैनेजर ऑफ होटल येलो पार्क दिल्ली.
यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट किस चीज की है, रिसेप्शनिस्ट की है फॉर योर होटल, होटल के लिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइज मेंटेन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये हमेशा बोला जाता है कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं वो 50 वर्ड से ही कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो पर वर्ड चार्ज किया जाता है। ओके, पर वर्ड चार्ज किया जाता है, वेरी करता है कौन से न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इसीलिए 50 वर्ड से कम लिखा जाता है। टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, अखबार का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। अखबार के नाम की वैसे कोई जरूरत है नहीं, आंसर के अंदर लिखने का कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं इसका। कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस, ओके, अब देखते हैं आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। सिचुएशन वैकेंट, आप सिचुएशन वैकेंट को कैपिटल लेटर्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको आप कैपिटल लेटर के अंदर भी लिखे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहां पर आपको पोस्ट लिखनी है, ये जो एरिया है ब्लू में जितना भी पार्ट है वो आपको चेंज करना है, बाकी सारी चीजें आप सेम लिख सकते हैं। Applications are invited for the post of, यहाँ पर post आ जाएगी, किस post के लिए आपको लिखना है, a receptionist for a hotel, एक hotel के लिए, with fluency in English, मतलब जो candidate है उसकी English में fluency होनी चाहिए। Candidates of either gender, दोनों ही male और female acceptable हैं, between the age group of 28 to 35, 28 से लेके और 35 साल, 35 ईयर के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, प्लेजेंट पर्सनालिटी, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी हो में अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है विद अ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में उसने डिप्लोमा कर रखा हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, विल बी प्रेफर्ड, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पे अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स नेगोशिएबल, सैलरी को आप पे अलाउंसेज भी बोल सकते हैं, जो भी अदर अलाउंसेज के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो है वो नेगोशिएबल है, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे बातचीत करके डिसाइड करेंगे, एग्जैक्ट फिगर नहीं दी हुई है। अप्लाई टू, किसको अप्लाई करना है, रतन या फिर रानी को, जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क लखनऊ, विद इन अ वीक ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है। तो ये आपका सिचुएशन वैकेंट का पार्ट वन हो गया, जो मैंने भी आपको करके दिखाया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इस तरीके से भी आप सिचुएशन वैकेंट का जो आंसर है लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें सिचुएशन वैकेंट कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ओके, इसको सॉरी वैकेंट लिख दिया मैंने, ये कैपिटल लेटर के लेटर्स में आप लिखेंगे। अब सबसे पहले रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, रिसेप्शनिस्ट है, फीमेल चाहिए, दो पोस्ट है, किस चीज के लिए चाहिए, होटल ग्रीन पार्क के लिए चाहिए, ठीक है, ये आ गया। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश के अंदर और एक जर्नलिज्म का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए एंड एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 0 to 2 years, मतलब 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 25 years, सैलरी यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है 25,000 विद पिक एंड ड्रॉप, मतलब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू देने का भाई 15 मार्च को आना है, कॉन्टैक्ट मिस्टर रतन जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क लखनऊ। तो इस तरीके से भी आप अपना सिचुएशन वैकेंट लिख सकते हैं, इसमें भी आपको 5 marks मिलेंगे। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट इस तरीके से आप अपना सिचुएशन वैकेंट का आंसर लिखेंगे, दिस इज योर थर्ड पार्ट। इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड, क्या चीज चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, फीमेल है और टू पोस्ट है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट हो या और उसके साथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हो, प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो। थर्ड पार्ट जो है एक्सपीरियंस, 0 to 2 years का एक्सपीरियंस हो, एज यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 25 years, सैलरी 25,000 rupees विद द पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, वॉक इन इंटरव्यू 15th March 2024 को और कॉन्टैक्ट में आपका ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना सिचुएशन वैकेंट। मैंने यहाँ पर आपको 3 तरीके बताए हैं सिचुएशन वैकेंट लिखने के, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इन तीनों ही पार्ट्स को, तीनों ही तरीकों को आप याद कर सकते हैं नोट्स बना के और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। सो टू वॉच सच टाइप ऑफ वीडियोज कीप वॉचिंग इंग्लिश विद हरीश पांचाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।